गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर 8। ठीक है, इसके जो प्रीवियस वीडियोस थे वो चैप्टर 7 की रिवीजन थी, अब चैप्टर 8 की रिवीजन है। जो मुझे लग रहा है कि इसका जो आपको बताना चाहिए इस चैप्टर में, ओके, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। स्टिल फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आया करने पे, ओके। अब यहाँ पे देखिए, राइट एज डेसिमल्स, डेसिमल्स मीन्स अ पॉइंट, ये अगर मैं लिख रही हूँ ना, देख ये पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज अ डेसिमल। जैसे 0 पॉइंट, जिस मैंने यहाँ पे लिखा 6 and 7 8 कुछ भी है ना, दिस इज कॉल्ड एज डेसिमल्स। ये जब मैंने आपको ये चैप्टर शुरू भी करवाया था तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो करवाती हूँ। एटलीस्ट आप इतना तो जरूर कर सकते हैं कि जब भी इस चैप्टर की रिविजन करवाएं तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो एक बार फिर से आप देखेंगे, ओके। अब यहाँ पे राइट एज डेसिमल्स, डेसिमल में इसको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, 3 + 7/10 है, इसको ऐड नहीं करना है, जिससे जो इससे सेवन्थ चैप्टर में हम क्या करते, 3 + 7/10 है तो उसको ऑब्वियसली वैल्यू निकालते थे, फ्रैक्शन में लिखते थे, बट इसको ऐड नहीं करना है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, राइट एट डेसिमल, इसको डेसिमल से मैं लिखना, लाइक 3.5, 3.7, 9.5 इस हिसाब से। तो वो करने के लिए सी, मैं 3 को तो 3 एज इट इज रहने दूंगी, प्लस 7/10 है तो मैंने आपको ये बताया था ये क्या बन जाएगा, 0.7 बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, 7/10 क्या बन जाएगा, 0.7। तो अगर मुझे ये बोला जाए कि 0.7 है, इसको आप फ्रैक्शन में लिखिए, तो मैं क्या लिखूंगी, 7/10 ही लिखूंगी इसको। अब सिंपल है, इसको एडिशन कैसे करना है वो बताते हैं। अब एक जैसे 3 और 0.7 को एड करना, सी अब मैं क्या करूंगी, 3.0 और 0.7 तो ऐड करूंगी, तो ये कितना बनेगा मेरा, 3.7। तो हम क्या लिख देंगे, 3.7। एक और बात है जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताई थी जब ये चैप्टर शुरू करवाया था, कि आपको जब भी ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, सिर्फ एक बात ध्यान रखें कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। सपोज दैट 2.53 दिया और एक दिया 3.5, ठीक है, तो आपने ऐसा अगर डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं लगाते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देते हो, तो आपका क्वेश्चन एकदम से गलत होगा, ठीक है। ये जो मैं बात बोलती हूँ, इसको एक बार जब भी क्वेश्चन करते हो एक बार ध्यान में हमेशा रखा करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी मुझे डेसिमल में लिखना था, जैसे ये देखिए 200 है, देन 60 एंड देन 5 प्लस जैसे 1/10 है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, 0.1। अगर मुझे ये बोला जाए कि 0.1 को आप फ्रैक्शन में लिखिए, तो ऑब्वियसली मैं इसको 1/10 ही लिखूंगी। बस अब आपको क्या ध्यान रखना है, इसका एडिशन का। अब यहाँ पे क्या लिखूंगी, देखो एडिशन कैसे करूंगी मैं, यहाँ पे 200, ठीक है, और यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे कितना आया आपका, 5 आ गया, ओके। ऐसे ऐड करते हैं, अब इसके बाद ये कितना है, 0.1 है। 0.1 करने के लिए अब देखो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं डेसिमल के बाद एक जीरो ले सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं 5.0 लिखती हूँ और 5 लिखती हूँ तो दोनों का आंसर क्या है, 5 ही रहता है, ओके। जो पॉइंट के बाद जो जीरोस होती है उनकी वैल्यू नहीं होती है, ओके। अभी कितना है, 0.1, तो 0 और डेसिमल 1 मैं यहाँ पे लिख दिया। मैंने इसको बैलेंसिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे सब पे डेसिमल्स लगा दिए थे, देन 1 एंड देन 5 और ये कितना होगा, 2.6, ओके। द आंसर इज 265.1, ओके, ये होगा इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए 3/5, अगर इसको डेसिमल के लिए बोला जाए, और बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम अच्छा इस टाइप पे जब मैं करवाती हूँ तो वो उनको आ जाते हैं क्वेश्चन, फिर इस टाइप का आता है इसको डेसिमल में कैसे लिखें, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने 5th और 4th में शायद करे होंगे, 4th 5th में। अब क्या करना है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हमें इम्प्रॉपर में चेंज करना है, दैट इज 5 3 = 15, 15 + 8 = 18, 18/5, ठीक है। आप इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए, देखो 18/5 है तो आप करिए 5 3 = 15 और ये 3, अब यहाँ पे कितना आता है, डेसिमल आते हैं और हम क्या निकालते हैं, 0 ले लेते हैं, 5 6 = 30, तो इसको आपने डेसिमल में चेंज कर दिया, दिस इज वेरी इजी इक्वेशन, दैट इज 3.6। इसको ऐसे करते हैं, डेसिमल में चेंज करते हैं, ओके। अब एक और क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिया, राइट द डेसिमल्स एज फ्रैक्शन एंड रिड्यूस देम टू अ लोएस्ट फॉर्म। पहले ये जो है ना, ये डेसिमल इसको फ्रैक्शन में लिखिए, तो जैसे 6/0.6 है तो उसको मैं 6/10 लिख सकती हूँ ना, ओके। उसके बाद मैंने लोएस्ट फॉर्म में आपको बताया हुआ है चेंज कैसे करना है, जैसे 6/10 है, ये दोनों ही 2 के मल्टीपल हैं, तो आप इसको 2 3 = 6, 2 5 = 10, देन यू कैन राइट हियर 3/5। आपने इसको रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, आपने इसको लिख दिया, राइट द डेसिमल एज अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में भी हो गया और उसने आपको, आपने इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस भी कर दिया। अब जैसे क्या 3.8 है, तो 3.8 को कैसे लिखेंगे, सी
दैट इज 38 लिख दिया। और मुझे सबसे पहले किसमें लिखना, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में क्या मतलब, 1/2, 3/4, 9/10 या ऐसे, दीज आर कॉल्ड अ फ्रैक्शन टर्म्स। अब 38 है, ये जो डेसिमल है इसका तो 1 आ जाएगा। डेसिमल के बाद कितने जितने डिजिट हो उतने डिनोमिनेटर में जीरो आते हैं। डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो सिर्फ एक ही जीरो आएगा। ओके अब आप देखेंगे कि अब ये 2 से दोनों 2 के टेबल यहाँ पे वंस प्लेस पे 8 है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 38 ये 2 से डिविजिबल है और यहाँ पे 0 है। डिविजिबिलिटी रूल्स भी करवाए थे आपको सारे। अब इसको 2 1 2 2 9 18, ठीक है, तो 2 5 10, तो 19 और 5 ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो इसको आपने इसको इसमें लिख दिया फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में और लोएस्ट फॉर्म में भी लिख दिया। अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज अ सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स, और सब मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे 0/10, ठीक है। अब जब 10 हो गया तो ये अब किस में चेंज हो गया, डेसिमल में चेंज हो गया। अब उसने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। अब इसको लिख दो, कैसे लिख देंगे, 0.2 लिख सकते हैं इसको, 0.2 दैट इज सेंटीमीटर। ओके अब सेम है, 116 मिलीमीटर को चेंज करना है मुझे किसमें, सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, तो 1/6/10। तो अभी किसमें चेंज हो गया, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जीरो कहाँ आएगा, 11.6, और ये कितना बन गया आपका सेंटीमीटर। ओके अब इसको चेंज करना है। अब देखिए एक तो सेंटीमीटर में है और एक किसमें है, मिलीमीटर में। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी करवाए थे कि इनको चेंज कैसे करते हैं सी, दैट इज 4 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 मिलीमीटर है, इसको सबसे पहले मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा आपका 2/10। अब ये कितना हो गया सेंटीमीटर में चेंज हो गया, तभी तो ये ऐड होगा। अब ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 0.2 सेंटीमीटर। तो इसको ऐड करेंगे, ऐड करना भी सिखाया मैंने, 4.0 और 0.2, देन यू कैन राइट हियर 4.2 सेंटीमीटर। ओके अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए विच इज ग्रेटर, ये करने के लिए कैसे पता चलता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, तो ये दोनों सेम है। यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल है, स्टिल सेम। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, कौन सा नंबर 4 ग्रेटर होता है या 3, 4 इज अ ग्रेटर, तो ये जो नंबर है ये आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे भी डेसिमल, यहाँ पे 0 है बट यहाँ पे क्या है 1 है। ओके ऐसे नहीं देखना कि ये नंबर ज्यादा है तो ये ग्रेटर होगा, ऐसे नहीं पता चलता है। जैसे मैं बता रही हूँ कि कैसे पता चलता है कि नंबर्स ग्रेटर होते हैं, देखो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 0 है बट यहाँ पे तो 1 आ गया, बट आपको ऐसे लगेगा जब आप अच्छी तरह नहीं देखोगे तो आप लोगों की अरे यहाँ पे 0.099 है और यहाँ पे 0.19 है, तो हो सकता है ये नंबर बड़ा है बिकॉज यहाँ पे 3 डिजिट्स नंबर है, तो ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। ओके तो ये नंबर आपका ग्रेटर आ जाएगा, वो आपको मैंने बताया है जस्ट। अब ऐसे ही जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो 9 है, तो कौन सा नंबर होगा ग्रेटर, दैट इज 9 वाला। ओके अब देखिए, अब मैंने आपको ये सारा चेंज करना सिखाया था कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कैसे करते हैं, मीटर को किलोमीटर में या ग्राम्स को केजी में कैसे चेंज करते हैं, सब करवाया था। अब क्वेश्चन ये था कि 5 पैसे को रुपीज में चेंज करें। ओके तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, मतलब आपके पास 100 पैसे हो तो आपके पास 1 रुपया बनता है। ओके तो आपको 5 पैसे को किसमें चेंज करना है, रुपीज में चेंज करना है, ठीक है। 5 पैसा को रुपीज में चेंज करने के लिए अगर आपको 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, तो अगर 5 पैसे है तो दैट इज 5/100 हो जाएगा ना, 5/100, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा आपका रुपीज में, तो ये कितना आएगा आपका 0.05, और ये किसमें आ जाएगा रुपीस में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर पैसे को रुपीस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, अगर रुपीस को पैसे में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई होता है, अगर पैसे को रुपीस में चेंज को करना है तो आपका डिवाइड होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। बड़े को छोटे में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई, बट छोटे को बड़े में चेंज करना है तो डिवाइड होगा, एटलीस्ट ऐसे आप अपने दिमाग में रख सकते हैं।
ओके इस एप्लीकेशन से, ये आपको मैंने पहले वीडियोस में भी करवाई थी और रिवीजन में भी बता रही हूँ। आप 15 सेंटीमीटर इंटू मीटर्स, तो आपको ये पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड। ओके तो अब यहाँ पे इसको सेंटीमीटर को ही मीटर में चेंज करना, मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो वो क्या करना, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 15 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आएगा 0.15, और एक इसमें चेंज हो जाएगा आपका मीटर्स में। ओके अब यहाँ पे किलोमीटर की बात हो रही है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके तो अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो जस्ट अभी बताया मैंने आपको, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना आया 8/1000, 1, 2, 3। तो आपको जीरो से ये सारा बैलेंसिंग के लिए भी बताया है, यहाँ पे कितना आएगा, मतलब एक जीरो, देन एक और जीरो, देन ये जीरो, देन यू कैन सी दैट 0.008, और ये किसमें चेंज हो गया आपका किलोमीटर। अगर इसको बोला जाए कि आप इसको फ्रैक्शन में लिखिए तो आप क्या लिखोगे, 8/1000 ही लिखोगे। अब ऐसे ही है केजी को, दैट इज ग्राम्स को केजी में चेंज करना है, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams, और 1 gram को अगर केजी में चेंज करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना है आपका, दैट इज 2/1000, और ये भी कितना आएगा आपका 0.002, और ये कितना हो गया आपका केजी। ओके आई होप आपको मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं, रिवीजन करवाई है, एटलीस्ट आपके दो दो बार रिवीजन हो रही है, बट फिर भी आपको इस चैप्टर में भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, और इस चैप्टर का भी मैं कब टेस्ट लूंगी आपको पूरा मैं आपके ग्रुप में भेजूंगी कि कौन कौन सी डेट को कौन कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा। और दूसरी बात है कि सबसे पहले रिवीजन होगी, देन आई विल टेक योर टेस्ट। ओके थैंक यू।